सामने एग्जाम्पल है कि गांव में भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में फीस कितना था? 499। जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम, मतलब हमको प्री जब हम दिए थे तो उस टाइम हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमको प्री हो जाएगा। दरोगा कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं ना कि खान सर का फॉलो करते रहिए, एकदम सिलेक्शन 110% पक्का होने वाला है। खुश रहे। देखिए बाबू, आप लोग ईवी दरोगे वाले बैच का है, आप लोग जब सिलेक्शन लेके जाइएगा तो उस समय आपको ये सीनियर मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमारा तो मिठाई कभी नहीं छूटता है। ये बाबू आपके लिए, ये इन लोग के लिए सबसे जरूरी होता है डायरी लिखना। हाँ, आपके साथ है ये भाई है, छोटा है तो इसको भी, अभी इसको आप ग्रेजुएशन हो गया इसका, अच्छा फाइनल ईयर, तुम अभी आगे यूपीएससी में तुम निकलना। हाँ, और आपको भी यहाँ दरोगा पे रुकना नहीं है, बीपीएससी यूपीएससी में लेके जाना है, ट्रिपल स्टार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ऑनलाइन में थे आप, ऑफलाइन में? ऑनलाइन में। देखिए ऑनलाइन वाले लड़के लोग जो है, ये सब गाँव में बैठा रहता है, सब तो नौटंकियों करेगा, सब सीरियस पढ़िएगा। आपके सामने सामने एग्जाम्पल है कि गांव में भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, समझ में आया ही नहीं आ गया? ऑनलाइन में फीस कितना था? 499 में। और ऊपर कर, कान पे कान। जय हिंद दोस्त, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह हुआ, मेरा होम टाउन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम जमुई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। जैसा कि हम 2213 वाला बैच में खान सर का हम ऑनलाइन क्लास लिए थे, ठीक है, और उस टाइम मतलब क्या इसको ऐसे छोड़ दीजिए। मतलब जब हम 2213 जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम, मतलब हमको प्री जब हम दिए थे तो उस टाइम हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमको प्री हो जाएगा, लेकिन जब हम खान सर का, मेरा एक फ्रेंड बताया कि खान सर का मतलब वो 499 का वो भी बैच लिया था सर, तो बोले कि ठीक है हम भी लेते हैं, और मतलब खान सर का बैच को हम फॉलो किए, करते रहे, मेरा प्री भी हुआ, और फिर मेंस में मेरा मतलब 80 दिन का टाइम था, पूरा फॉलो, मतलब खान सर का मतलब बैच का हम पूरा फॉलो, और हम ज़्यादा कुछ ये नहीं करते सर, मतलब हम क्या करते थे कि मतलब जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे बस उसका ये देखते थे कि मेन टॉपिक क्या है, और फिर जब मेरा 80 दिन टाइम बचा मेंस में तो मेन टॉपिक को सर हम मतलब सिलेक्ट किए, और वो बस आपका सिर्फ वीडियो देखते थे उस टॉपिक का, और बस उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते थे और बस उतना ही करते थे, और इतना दरोगा कुछ भी नहीं है, हम बता रहे ना कि खान सर का फॉलो करते रहिए, मतलब सिलेक्शन 110% पक्का होने वाला है, मतलब देखिए बाबू अभी के टाइम पे ये दरोगा है, ठीक है, बीपीएससी वाला भी है कि नहीं यहाँ पे? इनको बीपीएससी वाले के लिए भी, अब देखिए अब बाकी हम जो ग्रुप वगैरह है इनको जोड़ दिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। अब मैप क्लास तो सर हम इतना आपका करते हैं कि अभी भी मैप क्लास ले रहे हैं। अभी का लिए लेके रखे दो बार, अच्छा लगता है, बैठे रहते हैं तो कुछ देखते रहते हैं। इनका कहना है कि सर मैप क्लास तो इतना अच्छा लगता है कि फिर दोबारा ले लिए हैं मैप क्लास। बढ़िया, उससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट में आप आएंगे ट्रिपल स्टार लेके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये तुम भी पटना ही रह रहे हो, चलो बढ़िया, तुम भी अब मेहनत करो, अभी तो तुम्हारा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और छोटे भाई बहन लोगों की बड़े से और आगे जाना चाहिए, बड़े भाई बहन खुद कोशिश करते हैं कि उनके जो छोटे हैं वो लोग उनसे भी आगे जाए, ठीक है, चलो तुम और मेहनत करना, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट लेके तुम भी ऊपर आना, ठीक है, अभी नहीं है। नौकरी के बाद अधिकार बढ़ जाता है।
ठीक है, खुश रहिए। मिठाई मेरा है, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग भी अगली बार में लेके आइए, ठीक है। पिछली बार मेरा मेंस में, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका मेंस में क्या हो गया है, रुक गया। बहुत सारे लड़कों का पिछली बार मेंस में थोड़ा थोड़ा नंबर से रुक गया था। आप लोग भी बाबू, जितना लड़का लड़की है लोग, ढेर होशियार बनेगा लोग, यहीं रह जाएगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं। जितना ज्यादा होशियार बनता है ना नौटंकी बाजी, वो यहीं रह जाता है। इसलिए चुपचाप जैसे बोलते हैं एकदम, टॉनिक कैसे पीते हो, चुपचाप रह जाना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर हम भी आएंगे 2024, हाँ 23 है, 24 में सब लोग आइए यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़े। बहुत सारे लड़के, आप राजगीर में जाइएगा तो आपको मिलेंगे सब, बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग में आप लोग को, और ये सब आपको वहाँ सीनियर पे मिलेंगे, और जो बीपीएससी वाले मिलेंगे वहीं राजगीर में मिलेंगे, उनका लाइन दूसरे जगह लगता है, थोड़ा दूरी पे, वहाँ देखते रहिएगा। ट्रिपल स्टार वाला तो नहीं, से ज़्यादा मेहनत किया था ये। सर एक डीएसपी के अंदर में ना, जैसे बीपीएससी अगर निकालते हैं तो उसमें और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ना बीपीएससी में क्या है, थोड़ा सा मेंस वगैरह का चीज़ आ जाती, सीटें कम रहती। दरोगा बिहार के जितने एग्जाम है उसमें सबसे आसान है, सबसे आसान और सबसे टाइमली है। बिहार पुलिस से आसान है बहू, बिहार पुलिस इसे टॉप ले लेता है। तो उसमें आप ऐसे अंतर समझिए, थोड़ा सा पढ़ाई का अंतर क्या है, अगर कोई बिहार पुलिस में होता है वो कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, दरोगा, एएसआई सब रहेंगे लोग यहाँ पे, समझा गया। सिंगल स्टार एएसआई होता है, डबल स्टार एएसआई और ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर हो जाता। अब एक एक थाना में ना ऑन एन एवरेज 30 से 40 स्टाफ रहते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी के मिला के, इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, मतलब एक थाना में कितने रहते हैं, 40 लेके चलते हैं। कोई थाना बड़ा है तो उसमें ज़्यादा होते हैं, कोई थाना बहुत छोटा है तो उसमें 20 को रहेंगे, एक एवरेज मान के चलिए 40 रहे। एक डीएसपी के में 4 थाना आ जाता है, 4 से गुणा कीजिए, 160 लोग आपके अंडर में रहेंगे लोग काम करने में, और आईपीएस बनेंगे तो पूरा जिले आएगा, कम से कम 3000 आपके अंडर में रहेंगे। तो जितना मेहनत करिएगा उतने ज़्यादा ही आपको होगा। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं ना, तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना बाल, जिसको भुट्टा बोलते हैं ना, भुट्टा मकई, एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा, तो 4 से 5 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया, महंगा हो गया कि नहीं हो गया। अभी आप लोग भुजा रहे हैं लोग, इस बैच में भूज देंगे जुलाई तक पूरा आप लोग। चलिए आगे देते हैं, लड़की सब जब डर रही है से कहीं ज्यादा मत भूज दे। ना तो कोनो काम लाइक ना बोलते।